हाय गाइस, तो मैं आपकी जान और मेरा नाम गुरुप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है, इसे हम किसी और दिन क्यों नहीं मनाते। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हो कि 2021 अब ख़त्म होने जा रहा है और कल 1 जनवरी है और कल आएगा 2022 का फर्स्ट हैप्पी न्यू ईयर। तो ये हम 1 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? तो जिस न्यू ईयर को 1 जनवरी से मनाते हैं वह असल में ग्रिगोरियन कैलेंडर का नया साल है। इसके अलावा भी बहुत सारे कैलेंडर चलन में हैं, मगर पूरी दुनिया में ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार ही नया साल मनाया जाता है। इस कैलेंडर की शुरुआत 1582 में हुई थी। इस कैलेंडर से पहले रूस का जूलियन कैलेंडर प्रचलन में था। इस कैलेंडर में 10 महीने होते थे तथा कैलेंडर के हिसाब से क्रिसमस एक दिन नहीं आता था, मतलब क्रिसमस एक भी दिन नहीं मनाया जाता था। तो क्रिसमस मनाने के लिए उसका दिन निश्चित करने के लिए 15 अक्टूबर 1582 को अमेरिका के अलोयसिस लेलियस ने ग्रिगोरियन कैलेंडर शुरू किया। तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से जनवरी साल का पहला महीना है और साल का अंत दिसंबर में क्रिसमस के गुजरने के बाद होता है। इस कैलेंडर में क्रिसमस हर वर्ष 25 दिसंबर को निश्चित हो गया। किसी भी कैलेंडर को सूर्य चक्र या चंद्र चक्र की गणना पर आधारित बनाया जाता है। तो चंद्र चक्र पर बनने वाला कैलेंडर जो था उसे बनाया था जूलियस ने और उसमें थे 354 दिन। वहीं जो सूर्य चक्र पर बनने वाला कैलेंडर था उसमें 365 दिन होते थे और ग्रिगोरियन कैलेंडर में मतलब उसको सूर्य चक्र पर आधारित बनाया गया था। तो गाइज, यही रीज़न था कि 1 जनवरी को ही हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाया जाता है। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर अभी तक आपने अपनी जान का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक करिए, फिर चैनल को सब्सक्राइब करिए और अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।